टू द चैनल गाइस, आई होप आप सभी सेफ होंगे और अच्छे भी होंगे। तो भाई सारा मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो एक्चुअली मैं आज फर्स्ट डे है सिटी के बंद होने का, तो भाई लेकिन वैसे जो कुछ काम है छोटे मोटे तो पास में ही है जहाँ पे मैं एक्चुअली मैं वर्क करता हूँ। सो वहाँ पे थोड़ा सा काम है तो वो अभी अलाउड है, क्योंकि अभी सिर्फ नाइट वाला ही सीन हुआ है, क्योंकि शाम को 4-5 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा और सुबह 9 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। तो उसके बीच में आप आ जा सकते हैं, टोटली सब कुछ बंद नहीं हो रहा है अभी। खैर ओके, फोकस फोकस। वैसे तो अपना भाई बाइक वगैरह इतनी चलाने है नहीं, बट जो छोटी मोटी मार्केट वगैरह की राइड है वो इतनी कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी बाइक चला रहा हूँ, बस लॉन्ग राइड नहीं की है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो जी ऑफिस से कहाँ आ चुके हैं वापस में घर, अभी बज रहे हैं लगभग 3। तो जैसे ही कुछ खास होता है इम्पोर्टेंट तो आपको बताता हूँ, ठीक है? तो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ मैं। और आराम पता है कितना हो गया नेक्स्ट डे के 7 बज गए भाई। एक्चुअली में हुआ क्या था कि आते ही मैं लेट गया था और तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, हल्का फुल्का जुकाम भी होना स्टार्ट हो गया है। और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे अभी होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आई होप सो हमें ना हो। प्रिकॉशन सारे ले रहे हैं, बट वही है, कल वीडियो बनाने का मूड कुछ किया भी नहीं और कुछ खास था भी नहीं, तो लेट्स सी आज क्या होता है लाइफ में। तो लाइफस्टाइल व्लॉग ही चलेंगे भाई, जब तक कोई अच्छी ही चीज़ या टूर पे नहीं जा पाए। एक्चुअली में हुआ ये था कि कल भाई आते ही मैं सो गया था और थोड़ा सा परेशान ज़्यादा था, तो बिल जुकाम भी होना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसा कुछ खास इंटरेस्टिंग था भी नहीं जो कि मैं दिखाऊं, बस वही है डेली की रोज़मर्रा लाइफ है, लाइफ स्टाइल व्लॉग बना के काम चलाना पड़ रहा है। अगर आपके माइंड में कोई सजेशन है, कोई अच्छी सी चीज़ है जिस पे एक वीडियो बनाई जा सकती है, तो आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर बता दो, और वो भी कमेंट करके जल्दी से जल्दी, क्योंकि भाई कंटेंट का टोटा हो रहा है। अभी कुछ मिल तो है नहीं, मतलब मिल तो कुछ खास रहा नहीं है। तो भाई वही है, लाइफ में कुछ खास जैसे ही होता है वैसे ही तो वीडियो मिलेगी। तो तब तक के लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। पुशअप्स तो हो ही नहीं रहे, 5 ही पुशअप लगाए थे उसी में भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी कंधे में, सांस भी फूलना स्टार्ट हो गया 5 ही पुशअप में, और एक कंधे में इतनी ज़्यादा चोट है ना भाई, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है तो स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ, बट अभी पुशअप वगैरह हो नहीं पाएगा, सिर्फ वॉकिंग और हल्की फुल्की रनिंग ही कर पाएंगे। लेट जागा था मैं, फोकस हो जा फोकस। तो भाई धूप थोड़ी सी तेज़ हो गई है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, तो इसीलिए अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई वही है ना, हरामियों वाली बात है। अब सभी कहते हैं कि आज एक्सरसाइज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, आज पार्क में जाएंगे। भाई मैं थोड़ा अलग थोड़ी ना तुमसे कि जो वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही वो करूँगा कि एक दिन गए उसकी वीडियो बना ली, भाई नहीं, अपने पास सच्चा कॉन्टेंट, सच्चाई वाला व्लॉग, MSK भाई कहते हैं ना, जैसे सच्चाई वाला व्लॉग मिलेगा आपको। तो गाइस अभी कुछ बंद हो चुका है और ट्रेन बिल्कुल खाली है, तो आप खुद ही देख लो, ट्रेन में एक दो बंदा दिखाई दे रहा, पूरी की पूरी एक बोगी में बस बैठे थे यहाँ पे, अपनी फेवरेट जगह है यहीं पे, टाइम पास होता है अपना, जब भी सारी चीज़ें बंद हो जाती है तो क्या करें, देख रहे ट्रेनों को आते जाते हुए। एक और आ गई मालगाड़ी, अब सब कुछ बंद रहेगा तब तक यही चीज़ें देखेंगे, ऐसे ही टाइम पास करेंगे और करें क्या। तो जी गुड मॉर्निंग,
और ये है नेक्स्ट डे। तो कल कुछ इतना खास हुआ नहीं, अब क्या करते, तो इसीलिए कुछ वीडियो बनाई नहीं। बस शाम को वैसे भी माइंड अपसेट हो गया था, क्योंकि अभी हमारी ऑफिस से छुट्टी होने वाली है, तो मतलब अभी नहीं तो टोटली 1 या 1.5 महीने के लिए कह रहे हैं कि आप लोगों की शायद छुट्टी हो जाए। तो अभी तो काम रुका हुआ है 2 या 3 दिन का, और वही मैं भी चाहता हूँ कि रिस्क ना लूँ मैं भी। अब पैसों के लालच में जाना तो पड़ेगा, तो वही वही है, सेफ्टी वाली भी बात है। तो वही मेरी छोटी सी गुड़िया भी बोलना स्टार्ट कर चुकी है, सबसे पहले पापा बोला इसने। अभी तैयार होके गया था, तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। एक्चुअली में सब कुछ बंद हो गया है टिल 30 मई, 31 मई। तो एक तरफ अगर देखे तो वही है भाई, सैलरी भी चाहिए, बजट भी देखना पड़ता है। और दूसरी तरफ यार वही है कि इतना बड़ा रिस्क भी था वैसे जाने में, क्योंकि कोई ना कोई तो कांटेक्ट में आता ही, बट समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो माइंड थोड़ा सा अपसेट है, बट निकालेंगे कोई ना कोई रास्ता। हर चीज़ के अगर एक रास्ता बंद होता है 10 रास्ते खुलते भी हैं। अभी आप लोगों से और ज़्यादा बात किया करेंगे। हाँ भाई, पैसे भी तो चाहिए ना। सो भाई कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा, आज तो कुछ ना कुछ होगा। तो भाई थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे चोरी छुपे वीडियो बना रहा हूँ, वही बहुत है। तो भाई मेरे को जॉब से निकलने के बाद यहाँ पे तो आपका भाई बाइक पे बैठा हुआ है, और जो मैं अभी आपको बताऊंगा ना वो बहुत ही गलत और गंदी चीज़ है, ठीक है? कमेंट में गालियाँ भी बकोगे, लेकिन सच्चाई दिखाना यार रिपोर्टरों का काम होता रहा। हम यूट्यूबर हैं एंटरटेनमेंट, लेकिन भाई कभी कभी दिमाग बह जाता ना तो कुछ समझ में नहीं आता क्या है। इसी खटिया पे कोरोना पेशेंट डाइड हो गया था, ये जला दिया गया था, देख लो एक बारी। इसी खटिया पे वो एक्सपायर हुए थे, और यहाँ पे ये सब कुछ। माइंड अपसेट होता है आई नो, ये अपनी बाइक खड़ी है। 2 मिनट बाद में बात करूँ यार। कोई मरता ना तो उसको लगता है कि भाई मैं तो मर गया, बाद में कुछ है या नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, चलो छोड़ के जा रहा है, लेकिन आखिरी चुप बनाना उसको भी होती है। तो उन्होंने बोला था कि भाई मेरे को खेतों में ही जला देना, शमशान घाट में लेके मत जाना। लेकिन बच्चों ने पूरी कोशिश की। एक बेटा डॉक्टर था, एक बेटा इंजीनियर था, और इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको ऑक्सीजन का एक सिलेंडर तक नहीं मिल सका, जो कि हालांकि मेरे पास उस टाइम पे अवेलेबल हो जाता अगर ब्लैक में, ठीक है? लेकिन वही है, कॉन्टेक्ट, एक दूसरे को भाई मानते नहीं हो, तो भाई पूरी दुनिया एक ही जैसी है यार। सभी के दो हाथ पैर है, और एक दूसरे को सम्मान मत दो, नफरत मत करो, लेकिन कोई मरता हो तो उसको बचा लो यार, इतना ही बहुत होता है। चलो बाड़े में जाओ अगले वाला, उसकी अकड़। तो इसको वैसा कुछ सिचुएशन हुआ था, और भाई ताऊ जी की आखिरी इच्छा थी कि यहाँ पे ऐसे कुछ करना है। भाई सब कहते किसान है, किसान है, किसान है, ठीक है, लेकिन किसान का दर्द जो होता है ना वही जानता है। मैं खुद किसान नहीं हूँ, किसानों के साथ यारी दोस्ती में रहता हूँ, लेकिन एक बात देख लो, ये मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है तुम्हारे सामने, अब देख लो चिता। शमशान भूमि में फूकते हैं ना, हमेशा जलाते हैं, ये खेत है कुछ बोलने का।